आइए भ्रमर गीत के दूसरे छंद का अध्ययन करते हैं। दूसरा छंद है बिन गोपाल बैरन भय कुंजय तब वह लता लगत तन शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजय वृथा बहत जमुना खक बोलत वृथा कमल फूलन अलि गुंजय पवन पान घन सार सजीवन दधि सुत किरण भानु भई भुंजय यह उधव कहियो माधव सौ मदन मान कीन्ही हम लुंजय सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजय। इसमें भी इस छंद में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। जो संयोग में जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं वही वियोग में बुरी लगती हैं, खराब लगती हैं या दुखदायक लगती हैं। यदि हम प्रसन्न हैं तो सारी वस्तुएं सभी दृश्य अच्छे लगेंगे, लेकिन वही हम दुखी हैं तो जो सुख देने वाली वस्तुएं हैं वह भी दुखदायी प्रतीत होंगी। तो इसमें भी वियोगिनी गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। बिन गोपाल बैरन भय कुंजय, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जब कृष्ण ब्रज में रहते थे तो हमारे लिए सभी वस्तुएं, ब्रज की सारी वस्तुएं सुखकर लगती थी, सुखदायक लगती थी, सुख देने वाली थी वो। लेकिन जो ही वो मथुरा चले गए तो बिना कृष्ण के जो कुंजे हैं, जो शीतलता प्रदान करती थी, जो वस्तुएं सुख प्रदान करती थी बिना कृष्ण के, वह अब दुश्मन के समान प्रतीत हो रही हैं, अर्थात दुखदायी प्रतीत हो रही हैं। तब वह लता लगति तन शीतल अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, जब कृष्ण साथ रहते थे तो वह लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, जब कृष्ण ब्रज में साथ रहते थे तो वह लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी, लेकिन अब बिना कृष्ण के, अर्थात जब से कृष्ण चले गए मथुरा, तब से ये लताएं भी विषम ज्वाल के समान, अग्नि के समान प्रतीत हो रही हैं, इनसे अग्नि की लपटें निकल रही हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन अलि गुंजय, वो आगे कहती हैं कि जब हम लोग साथ साथ रहते थे तो जमुना पक्षियों का बोलना, यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, फूलों का खिलना, भंवरों का गुंजार करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता था, सुख देने वाला होता था। हम लोग पूरा समय बाग बगीचों में, कुंजों में बिता देते थे, लेकिन आज क्या है, ऐसा लगता है कृष्ण के वियोग में ऐसा लगता है जैसे यह यमुना व्यर्थ में बह रही हो, पक्षी व्यर्थ में कोलाहल कर रहे हो, कलरव कर रहे हो, वह अच्छा नहीं लग रहा है। कमल फूलन वृथा कमल फूलन, व्यर्थ में ही कमल पुष्प खिले हुए हैं, फूलन अलि गुंजय और उस पर भौरे भी व्यर्थ में मंडरा रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन दधि सुत किरण भानु भय गुंजय, जो वस्तुएं शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, जैसे पवन शीतलता प्रदान करता है, हवा, पान माने होता है जल, पानी भी शीतलता प्रदान करता है, घनसार माने कपूर भी ठंडा होता है, संजीवनी बूटी भी ठंडी होती है, दधिसुत माने चंद्रमा भी हमें शीतलता प्रदान करता है, पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत, सुत माने किरणे, दधिसुत माने चंद्रमा, किरण माने किरणे, भानु माने सूर्य, भई भुंजय, भुंजय माने घूम रही है, जो शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, जैसे करते हैं जैसे पवन, जल, कपूर, संजीवनी बूटी, चंद्रमा, अब ये बिना कृष्ण के हम लोगों को सूर्य के समान, सूर्य की तरह भून रही हैं, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से लोगों को जलाता है, उसी प्रकार
हम लोग भी कृष्ण के बिना इन शीतल पदार्थों से ढूंढ रही हैं, अर्थात ये शीतलदायक वस्तुएं हमें सूर्य के समान ढूंढ रही हैं। हे उद्धव कहियो माधव सो मदन मार्ग की न मनुजय। हे उद्धव, आप कृष्ण से जाकर कहिएगा कि जब से आप चले गए हैं तब से कामदेव ने हम लोगों को मार मार कर लुंच पुंज कर दिया है, जिसके कारण हमारे अंदर उत्साह समाप्त हो गया है, हमारा शरीर शिथिल हो गया है, कमजोर हो गया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखिया भाई छूजे। और यह भी कहिएगा कि हे प्रभु, गोपियां आपके दर्श आपकी दिन रात प्रतीक्षा करती हैं, और दिन रात प्रतीक्षा करने के कारण उनके आंखों में उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, अर्थात उनकी आंखों से दिखाई कम दिखाई दे रहा है, उनकी आंखें धुंधली, लगातार प्रतीक्षा करने से उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, अर्थात उनकी आंखों से कम दिखाई दे रहा है। हे उद्धव, आप माधव से इस प्रकार कह दीजिएगा, बिन गोपाल बैरन भाई मिल जाएगी। श्रृंगार रस है का वियोग रस, वियोग पक्ष, और उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है, छंद गेय पद रस, श्रृंगार रस, भाषा ब्रज भाषा। धन्यवाद।